तो हेलो गाइस, सब लोगों का स्वागत है फ्री फायर के एक क्लॉस स्क्वाड के गेम प्ले में। तो ये गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो आप लोग देखेगा पूरा। तो और एक बात मैं और बताना चाहूँगा, आप में से काफ़ी लोग कमेंट कर देंगे फ्री फायर की आईडी बता दो और उसका नेम बता दो। तो भाई फ्री फायर का आईडी और नेम जो कुछ भी है ना, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से चाहें तो जो कुछ भी करना है उस आईडी के बुक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग डेली प्लेयर हैं और आप किसी गुल्ड में आना चाहते हैं तो अपना एक गुल्ड बना हुआ जो कि लेवल 1 पे है और उसमें अभी केवल एक दो बंदे ही हैं, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी आईडी से। तो उस मेरी आईडी से जाके आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बंदे को मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सारे के सारे जो हैं होते हैं उस दीवार में लग जाते हैं, पता नहीं कौन सी जिक्स है। तो उसके बाद यहाँ एक हेड लगता है, उसके बाद बंदे को मैं ख़त्म कर, तो यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर दूँ, तब तक मेरी टीममेट बाकी सारे बंदे ख़त्म कर देते हैं। एक बचा हुआ होता है जिसको मैं बाहर जाके मारने वाला हूँ, तब तक वो भी मार देते हैं। तो इसमें टीममेट काफ़ी ठीक ठाक मिल जाते हैं मेरे को, लेकिन सपोर्टिंग वाले नहीं होते। तो ठीक है, अब बातें ना करते हुए ध्यान देते हैं कमेंट। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे जैसे मैंने एम किया और उसे मारने को, तब तक ये विक्ट्री हो जाती है अपना ये गेम प्ले। उसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट गेम प्ले में। तो अपना जो अगला गेम प्ले, इसमें मैं ले लेता हूँ AN-94, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। इसमें मैं हेड बहुत तगड़े तगड़े धर देता हूँ, तो इसलिए मेरी फेवरेट है ये CS के अंदर। और क्लासिक में तो ये बहुत ही बुरी तरह चलती है। हाँ, क्लासिक में भी फेवरेट है अगर इसके हमें सारे अटैचमेंट मिल जाते हैं तो, नहीं तो इसकी रिकॉल जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, तो क्लासिक में ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, सीधे सामने बंदे आ रहे होते हैं, तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि किधर से आएंगे। तो मैंने सोचता हूँ सीधे ही चलते हैं, कि सीधे ही आना चाहिए बंदों को। तो यहाँ से चलते हैं जल्दी से और ख़त्म करते हैं इस स्क्वाड को भी। तो ओके, तो एक बंदा आया और उसे हेड दिया, तो वो डाउन। तो उसके बाद उसे मिस किया हेड मार के। ओके, तो ये भी ख़त्म किया। उसके बाद अगले बंदा यहाँ पर, जो कि मैंने थोड़ा देर में देखा था, तो मेरी टीम मेट ने डाउन कर दिया और बाकी का जो बचा हुआ था वो मैंने डाउन कर दिया हेड मार के। ओके, तो इसे हेड काफ़ी प्यारे प्यारे लगते हैं, इसलिए मेरी फेवरेट है गन। तो ठीक है, तो वो सब किया। उसके बाद मैं और बंदे ढूंढने लगता हूँ जो कि मुझे नहीं दिखते हैं, पता नहीं कहाँ पर होते हैं सारे के सारे। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हैं बाकी बंदे। तो मेरे साथ मेरे टीम मेट ढूंढ रहे हैं आखिर कहाँ गए वो बंदे जिनकी हमको ज़रूरत होती है। तो ओके, तो यहाँ पे पता नहीं क्या अटक जाता है थोड़ा सा। ओके, तो उसके बाद फिर मैं देखता हूँ कहाँ पे, तो मुझे एक ऊपर से एक बंदा स्पॉट हो जाता है, मैं इसको पता तक भाग जाता है। तो फिर मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बंदा वो अंदर ही होगा, तो मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे एक टीम मेरा डाउन हो जाता है टीममेट, तो उसके बाद मैं इस बंदे को हेड मार के ख़त्म करता हूँ। तब तक इसका दूसरा टीममेट आ जाता जो कि मुझे, आप देख सकते हैं, जिसने मुझे डाउन कर दिया। और ये मेरे टीममेट इतने प्यारे प्यारे जो मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, यानी मुझे रिवाइव देने के लिए बंदा आता ही नहीं, आखिर मैं मर जाता हूँ। पता नहीं किस टाइप के टीममेट थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, ये लोग हैं तो बने रहने दो। ठीक है, ये होता है। उसके बाद ये भी खड़े हो जाते हैं, इनका आखिरी बंदा जो होता है वो जोन से ही मर जाता है, क्योंकि डैमेज तो मैंने उसे दे दिया था थोड़ा, शायद उसने हील नहीं किया होगा इस वजह से। ओके, तो उसके बाद अगला मैच स्टार्ट होता है, जिसमें मैं ले लेता हूँ स्कारल, क्योंकि स्कारल मेरी फेवरेट गन है, यानी मेरी के साथ सभी की फेवरेट है जो कि फ्री फायर खेलते हैं। तो ओके, तो मैं यहाँ पे स्कारल ले लेता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर चलने बंदों को मारने यहाँ भी। तो अभी दो राउंड हम जीत चुके हैं, तो अभी दो और जीतने बाकी, जिसके हमारा बोया हो जाएगा, तो वो भी हम जीत लेंगे, लेकिन देखिए आप किस तरह से हम जीतते हैं। तो इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसमें लास्ट में बहुत मज़ा आता है जब मैं स्नाइपर लेता हूँ, तो स्नाइपर से मैं सबको हेड बजा के डाउन कर देता हूँ अकेले ही, बाकी की मेरी पूरी टीम डाउन हो गई। तो यहाँ बंदा आया, इसको हेड दिया, इसका खेल ख़त्म किया जल्दी से। तो इस कारण से हेड काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो हेड मैंने फिर से हेड मारा और इसे ख़त्म किया बिल्कुल। और यहाँ पे भाई मेरी टीम जो डाउन हो जाती है पूरी, और मैं बंदा ही ढूंढता रह जाता हूँ किधर से मारा। मैं इधर वाले को स्पोर्ट करता हूँ, तब तक मुझे साइड से बंदा आके मार देता है, तो यहाँ पर मैं डाउन हो जाता हूँ और मैं ख़त्म हो जाता हूँ। ओके, तो एक ही मैच हमारे यहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले मैच में मैं एक बार फिर से ले लेता हूँ स्कारल, क्योंकि हमारी पिछली बार ड्रॉप हो गई थी, तो ले ली। उसके बाद मैं मशरूम ले लेता हूँ। ओके, तो अभी हो गया, अभी है फैक्ट्री की बारी। तो फैक्ट्री में काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम ओपन सा एरिया होता है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे। तो ठीक है, तो चलते हैं भाई, जल्दी स्टार्ट कर दे फ्री फायर। तो अभी दो राउंड हमारे पास हैं और एक राउंड हमारे अपोनेंट्स के पास है। तो ठीक, जल्दी चलते हैं और देखते हैं क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें क्या होता है। तो ठीक है, जल्दी से चलते हैं। तो मैं पहले साइड में जाता हूँ, इधर देखता हूँ साइड इधर से बंदे आ जाएं, लेकिन वो इधर से नहीं आते। और तब तक मेरा जो टीममेट होता है वो गोली भी चलाने लगता है साइड से, तो मैं इधर जाके देखता हूँ कि भाई क्या हुआ, किधर बंदा गया, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है। तो फिर मैं, मुझे विस्फोट हो जाता है, तो मैं हेड बजा देता हूँ।
तो इसे डाउन करता हूँ। उसके बाद फिर मेरा टीममेट डाउन हो जाता है। मैं देखता हूँ किधर से लगा, तो मुझे साइड से आवाज़ आती है, तो मैं साइड में हैंग करता हूँ और इसको भी हेड रख के डाउन करता हूँ। अब तक ये मेरा टीममेट डाउन हो गया होता है तो मैं इसकी तरह होता नहीं कि इसे रिवाइव ना दूँ, तो मैं इसे रिवाइव देने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता हूँ। तो मैं इसे रिवाइव करता हूँ, तब तक वाइट वाला बंदा जो आप देख रहे हैं साइड में वो भी आएगा, वो मुझे मार देगा। तो ये आया और इसने शॉट गन से मुझे मार दिया। तो लेकिन ये भी राउंड हमारे हाथ से चला जाता है। अभी दो दो हो गए हैं दोनों लोगों के पास, तो अभी बहुत ही हालात गंभीर होते जाते हैं। तो ठीक है, मैं फिर से इसका कर लेता हूँ और फिर से अपनी वेस्ट लेके तैयार हो जाता हूँ बंदों को मारने के लिए। तो अभी मैं दो मशरूम खा लेता हूँ, एक ग्लू बाल भी ले लेता हूँ। हालांकि यूज करूँगा या नहीं करूँगा मुझे नहीं पता, बस मैंने ले लिया है इसको। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं। तो ओके, तो अभी जल्दी से स्टार्ट हो जाए मैच भाई। ओके, तो अभी ये स्टार्ट हो गया है मैच, तो जल्दी से चलते हैं और ख़त्म करते हैं बाकी के बंदों को भी। यानी कि हमें ये बोया करना है जल्दी से जल्दी। तो देखते हैं इस मैच में क्या होता है हमारे साथ। तो ये हुआ भाई, उठ भाई, जल्दी से चढ़ जा भाई। ओके, तो ये हुआ बंदा साइड में आ रहा होता है दूर से, तो मैं इसे हेड रख के इसको डाउन करता हूँ जल्दी से। और उसके बाद एक बंदा इसका सामने से भाग के जा रहा होता है, मैं इसे मारने की कोशिश करता हूँ लेकिन ये ऊपर भाग जाता है। तो मैं पहले सोचता हूँ इसे जाने दो, ऊपर पहुँचे तब मारने, तब तक मैं इधर ध्यान देता हूँ। फिर वो जब ऊपर पहुँच जाता है तब मैं उसे मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मार नहीं पाता हूँ फिर, क्योंकि रनिंग में होता है। तो उसके बाद फिर से मारने की कोशिश करता हूँ, शॉट नहीं लगता है एक भी, और वो मुझे धर देता है बुरी तरह से। तो मैं जल्दी से नीचे आता हूँ, उसके बाद हीलअप करता हूँ, उसके बाद फिर से मारने चलेंगे बाकी के बंदों को। तो जल्दी से दो मेड की लगाई मैंने यहाँ पे और चलते हैं जल्दी से मारने के लिए। ओके, तो जल्दी चल भाई। ओके, तो ये हमारे किल मुझे मिल गया। और भाई यहाँ पे फिर मुझे एक हेड पड़ जाती है, तो मैं फिर से भागता हूँ यहाँ पे, और बंदा वो सामने होता है, तो मैं पहले फिर इसे रिवाइव देता हूँ, क्योंकि मैं रिवाइव पहले देता हूँ, मैं टीम को सपोर्ट अच्छे से करता हूँ, टीममेट मेरे कैसे भी हूँ। ओके, तो मैंने इसे रिवाइव दिया, उसके सामने बंदा होता है तो मैं उसे मारने के लिए साइड में जाता हूँ, तो उसे जल्दी से हेड मार के उसे ख़त्म करता हूँ। तो ये लगा भाई, अभी तो एम नहीं हो रहा था, फिर एकदम हेड लगता है और खेल ख़त्म हो जाता है। ओके, तो अभी हमारी ये भी विक्ट्री हो गई है, हमारे पास तीन हो गए, उनके पास दो हैं। तो अभी हमें एक राउंड और जीतना है, उसके बाद अपना काम जब हो जाएगा। और इस राउंड में मैंने ले ली है स्नाइपर, और स्नाइपर लेने के बाद तो भाई मज़ा ही आ जाता है। अभी आप लोग देखना क्या होने वाला है इस गेम में। तो इस गेम प्ले में भाई मेरी पूरी टीम डाउन हो जाएगी, बस मैं ही बचूंगा और मैं ही अकेले ही सबको मार दूंगा। ओके, तो अभी मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम भी ले लिया है, तो ठीक है चलते हैं। यहाँ तक अपने 6 किल हो चुके थे, हालांकि बहुत कम थे लेकिन ठीक है, और अगली बार हम 6 के पूरे 10 कर लेंगे, क्योंकि 4 के 4 बंदे हम इसमें ले लेंगे अपने अंडर। ओके, तो हमें यहाँ पर स्नाइपर है अपने पास, और सामने से एक बंदा आया और उसके ये हेड पड़ा, तो वो बंदा डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा उसका आया जो कि सीधे कवर में चला गया, तो उसे मैं नहीं डाउन कर पाया। उसे निकला तो 123 का लगा बॉडी शॉट, उसके बाद फिर से एम किया तो फिर से वो थोड़ा सा साइड कवर में चला गया, तो वो फिर से बच जाता। तो मुझे साइड में बंदा आता हुआ दिखता है, तो मैं इसे हेड देता हूँ, इसका खेल ख़त्म हो जाता है। ओके, तो इसे भी मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी से, यानी कि एक हेड और मार देता हूँ। ओके, उसके बाद इसे मारने को सकता हूँ नहीं लगता है, क्योंकि मुझे इधर से पढ़ने लगती है, फिर तो मैं इधर कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो उसके बाद मैं इसे मारता हूँ, तो 115 का बॉडी पड़ता है, उसके बाद फिर से मारता हूँ तो वो ख़त्म हो जाता है। अभी मेरी पूरी टीम डाउन हो चुकी है, अभी अकेला मैं ही बचा हूँ, तो मैं इसे भी मार के ख़त्म करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।